नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेमन सिन्हा और आप देख रहे हैं सिन्हा आर्ट टेक इन्फो। दोस्तों, मैंने आज नया इन्वर्टर ख़रीदा है, जीलियो वाईफाई एक 1100, जो कि वाईफाई बेस है, जो मॉनिटर करता है कितने बैकअप देगा, कितने घंटे में चार्ज होगा, इसके बारे में जानकारी देता है। तो देखते हैं इसके बारे में आज। देखिए, ये मॉडल है जीलियो वाईफाई, जो वाईफाई बेस में काम करता है और लाइट जाने पर ये मेरे को शो कर रहा है 5 घंटे 51 मिनट शो कर रहा है। दोस्तों, मैंने बैटरी भी साथ में परचेस किया है, जो मॉडल है शक्ति चार्जर 150 Ah, जो 1 मंथ की वारंटी में आता है। और देख लीजिए दोस्तों, ये है लुमिनस का, हमने वायरिंग प्रॉपर तरीके से कर लिया है और ये वाटर लेवल जो शो कर रहा है कि अभी ठीक है पानी का लेवल। पैक में देखते हैं जो आता है लुमिनस का वाईफाई इन्वर्टर। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्विच अभी ऑन किया है इको मोड में, जो नॉर्मल सिलेक्शन होता है इको मोड में, और दूसरा होता है यूपीएस मोड में। यूपीएस मोड में आप जब भी करेंगे, जब आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, नहीं तो फिर आप इको मोड में कर सकते हैं। और साथ ही बैटरी सेलेक्टर करने के लिए बैटरी सेलेक्टर दिए हैं, ट्यूबलेस, फ्लैट प्लेस और ये SMPS। और ये है आउटपुट बैट, जो है घर का लोड जो भी जितना चलाना चाहते हैं उसका आउटपुट इस स्विच से हमको सप्लाई करेगा। ये है नॉर्मल मोड और बाईपास मोड। अगर आपको इन्वर्टर बाय चांस अगर ख़राब भी होता है तो ये बाईपास मोड ऑन कर सकते हैं। ये इनपुट MCU है, जो कुछ ही शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट होने पर ये ट्रिप हो जाएगा। और आइए देखते हैं इसका कनेक्शन। मैंने इसमें 3 फैन, 1 TV और 5 लाइट इसमें कनेक्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेन से यहाँ से कनेक्ट दिया हमने, उसके बाद फिर ये एक एक तार जो फेस के रूप में हमको सप्लाई करने के लिए इसको यहाँ से ले गए। यहाँ ले जाने के बाद इसका कनेक्शन करने के बाद ये जिस जिस में हमको UPS का चाहिए, बैकअप चाहिए, उसमें हमको जो जो नॉर्मल जो बिजली आ रही है उसमें से आएगा, और ये सेकंड है जो UPS या इन्वर्टर से चलेगा। एक फैन और एक लाइट जो दिखला रहा है कि ये दोनों इन्वर्टर में कनेक्शन है। और हमने साथ ही साथ TV का भी कनेक्शन किया है, जो इसमें देखिए ये है, जो हमने एक बार छोड़ रखा था इन्वर्टर लगाने के लिए, और ये इसका कनेक्शन फेस को लिए यहाँ पे, और जो अर्थिंग है वो मतलब वो कॉमन रहता है, चाहे इन्वर्टर में हो चाहे फिर वो लाइन से आ रहा हो। धन्यवाद दोस्तों।